नमस्कार दर्शक बंधु, आमर रसकल्लोळर रसधारा कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही कार्यक्रम आम सहित अच्छा ओडिशार स्वनामधन्या कंठशिल्पी सुश्री शैलभामा महापात्र एवं अच्छा श्रीजुक्त रवींद्र महापात्र। पूर्व अध्याय आम रसकल्लोळ काव्यर 29 छंदर 35 पदर विश्राम नहीं अध्याय अवशिष्ट पदगुड़िकर सस्वर व्याख्या श्रवण करिया। कमल दल लोचन प्रवेश मात्रे आरंभ पराए रम दिशिरागात्रे करी दंड प्रणाम सत्वरे उठिला कर जुग जोड़ी बेगे शिरोरे दिला कंठ गद गद रुबाणी न पारे कही कंकण बेली नयनु जाउछि बही कला करे कला कर मणि पराए कले बर द्रवि जाए हेला थाय कोटि काम मनोरथ जेउ मूरती पूर्व अध्याय आम शुणी जे भगवान कृष्णचंद्र कंसर जी बेशकारिणी माल्याणी जी हूँ कुबुजा ताकु सुंदरी करी एवं सुंदरी करी ताकु कथा दे पुर को जीवे बोली से बासक सज्जा नायिका है प्रतिदिन बेश सजेई सज्जा सजेई अपेक्षा करिथिला भगवान को पाइबो बोली आउ से दिन कृष्णचंद्र निजे विजय करिसंती कुबेर पुरी परी अलका पुरी परी सजेई रखिछि कुबुजा निजर मंदिर को घर थिला से मंदिर होइगला जेतेबेले कृष्णचंद्र प्रवेश कले तेणु से मंदिर अपूर्व शोभा अगुरु धूप अनेक सुवर्ण दीपाली जलुछि कुबुजा मध्य अत्यंत आनंदित होती जेतेबेले कोटि ब्रह्मांड नायक को पाई कवि कहते पद्म पलाश नयन कमल दल लोचन कृष्णचंद्र जेतेबेले प्रवेश करी सेतेबेले कुबुजा निजक विश्वास करी पाला ना मुझी कौन आली कौन वर्तमान की सौभाग्य मुझे क्यों पुरुष को मुझे से तो पुरुष नुहति से पुरुषोत्तम पाई कुबुजा कदम्ब पराए रोम दिशिला गात्रे कुबुजार शरीर कदम्ब फूल परी अंकुरोद्गम होगला रोमांच सृष्टि हला प्रथमे कुबुजा कृष्ण को दंड प्रणाम करी कारण निजर भक्तिभाव को प्रथमे निवेदन करी जे तार उद्धारकर्ता जे जगत उद्धारकर्ता कुबुजार उद्धारकर्ता आगे पादरे दंड प्रणाम करी कुबुजा उठी पड़िला हाथ जोड़ी शिरोरे मस्तक देला एवं कंठ गदगद हो जाइछि बाष्प गदगद कंठ बाणी स्फुरुनी बाणी नपारे कही उत्कंठ जहाँ को जाए उत्कंठारे से कौन कहिबो जानी पारुनी भाव गदगद हेउछि कंकण बेनी नयनु जाउछि बही दुई आखिरु कं कण माने जलकणा अश्रुकणा बही जाउची अश्रु बिंदु बिंदु हे द्रवि जाउची भाभी भाभी कृष्ण कथा द्रवि जाउची कुबुजा जेमिति कला करे कला कर मणि पराए चंद्रकांत मणि चंद्र किरण रे जेमिति द्रवीभूत हो जाए सेमिति द्रवीभूत हो जाउची कुबुजा कलेबर द्रवि जीवारु शरीर द्रवि जीवारु अथय हला से जे कोटि काम कमनीय जी होती मनोरथ मूरती अर्थात बांछा कल्पतरु तांकु देखिले क्यों कामिनी क्यों नायिका धैर्य धरी पारिब कुबुजा मध्य धैर्य बंध हरैछि कृष्ण को पाई तन्मया तल्लीना हो जाइछि कला कर करे जेने रजनी हंस कुबुजा पुरति कृष्ण कमल हरस जेन्हे
हंस सम्मुखे कमळे कमळ पद धौत करी कराइला पलंकरे विजय कुशके तुझे उपद धोइले करे कपर दी धोइले करे जेऊ जल तिनि लोक पवित्र कृतार्थ कला सागर पुंक गात्र एटि अद्भुत उपमा दौचन्ति कवि भक्त कवि जयकृष्ण कलाकर करे जेन्ने रजनी हंस कलाकर हेले चंद्र चंद्र किरण रे रजनी हंस कई जेमिति आनंदित हुए सेहीपरि भावरे कुबुजा पुरते कृष्ण सही सदृश कृष्ण होती नील कई कुबुजा होती चंद्रमा पूर्ण चंद्र पर तार मुख कृष्ण कुबुजा को देख आनंदित होती आमल हरस जेन्ने हंस सम्मुखे सूर्य सम्मुखें पद्म जमी आनंदित हुए कुबुजा सेहीपरि परम सुखरे जी होती कोटि ब्रह्मांडर नायक सम्मुखें आनंदित होती कुबुजा कौन करिबो प्रथमे कमळे कमळ पद धौत करी जळरे तांकर पद्मपाद को धोई देला कुबुजा हात धरी नै पल्लंकरे विजय कराइला जो पाद को धोइबा पई वेदपति ब्रह्मा समर्थ हेइ नथिले कुश केतु जेउ पाद धोइले करे निज हाथ में ब्रह्मा जो श्रीपद को धौत करिसंती पद धौत जल को कृष्णंकर नखकोण रही जल से जल जो झरी आसला शिव तांको मस्तक धारण कले कपरदी धोले जो जल शिव आऊ जल जो गंगा जल तीन लोक को पवित्र करे जी सगर राजा पु 60,000 पुह कपिल कोपानल दग्धीभूत होते जे पवित्र कला विश्व पवित्रकारी से जल से पाद को जो पादर गंगा झरी आसे से पाद को कुबुजा धोला शीतल जल रे कि आनंदर कथा कमल नयन कृष्ण करुणा बोले कोमल बसने पोछी होइला उभा की कहिबो कुबुजांको से कण सोभा कला मदन मोहन मन मोहिता किते जन्मे करिथिरा किते सुकृत कमल नयन मन चंचल जानी कही करी उठव होइला मिलानी कहू कहू जनम होइला अनंग कुबुजा संगरे रंग कले रंग कुबुजा आज कृष्णंकर कृपारु कृष्ण का करुणारु ही सही श्रीपद से पदारविंद को धोवा को समर्थ हला जो पदारविंद को माँ महालक्ष्मी मंचालन करती ब्रह्मा धौत करती जो पदारविंद जल रे शंकर भगवान अवगाहन करती कपिल कोपान दग्धीभूत सगर पुत्र माने पवित्र हुंती कुबुजा से पद जल पाइला हेले से पद जल को नहीं आचमन कला से चरण चरणामृत को आउ कोमल बसन कौलिया बा अति मुलाम अति सुकोमल बसन वस्त्र पोछीदेला पाखरे ठिया हला कुबुजा कुबुजा पाखरे ठिया है सेवकिनी परी दासी परी आउ से कालर शोभा कुबुजार सौंदर्य को कवि कहुचंदी के वर्णना करिपारिबे नाही जे मदन मोहनंकर मन को मोहित करदेला केते जन्मर सौभाग्य तार केते जन्मे करिथिला केते सुकृत प्रकृत रे
केते जन्मर सुकृत तार थिला तबुजार पूर्व जन्म विषय रे शास्त्रकार माने अनेक कथा कहन के कहंती से सेई कुबुजा जे त्रेता युग रे चाहिथिला रामचंद्रंकर पदारविंद स्पर्श करिबा पाई अनेक अनेक पौराणिक कथा अछि तथ्य विभिन्न प्रकार मत अछि जहाँ भी हौ से अनेक जुगरु कुबुजा चाहिथिला सेई पाद पद्म को पाइबा बोली के कहिबो कुबुजांक सेकाळ सभा कुबुजांक एठी सम्मान दे कवि कहउछंती जे मदन मोहन मन को मोहित कला से कमल नयन कृष्णचंद्र कुबुजार मन को चंचल जानी बा कृष्णंकर मन चंचल हबार जानी उद्धव कहले मु एठारु मेलाणी नउची मु तो खाली आसीथिलि कुबुजार घर देखै देवा पई तबे मु जाउची मोपुर को तुमे एठी थाओ या कहि उद्धव मेलाणी नेले कहूँ कहूँ जन्म होइला अनंग अंगहीन विदेह कंदर्प भाव उदय हेछि एवं कुबुजांक सहित भगवान श्रीरंग कुबुजा रमण है आनंदमय रास सृष्टि करिछंति मथुरा किछि दिन ताहार पुर रे रहिले कामना संपूर्ण करी विजय कामिनी मानंकर कलपतरु महिमा सागर प्रभु महिमा मेरु केते बेले सुमरंती गोपींक भाव कुंज कानन रे केते विनोद ठाव कालिंदी कूल कदम्ब तल विहार इति बेले हृदयरु नोहि बहार केते बेले रास केली मन रे पड़ी कोटी गुणे संताप पड़ोही शास्त्र कहती कुब्जा या किमु नाम रूपम अधिकम किन्न सुदाम धनम भगवान को कौथे संतुष्ट करहब रूपरे धनरे गुणरे नाना कुबुजार की रूप थिला किंतु भगवान ता प्रति करुणापूर्ण हई ता गृह विजय कले ता सहित प्रेम कले प्रेमालाप कले एहा कुबुजार भाग्य किंतु भक्त्या तुष्यति केवलं नच गुणै भक्ति प्रियो माधव माधव होचंदी भक्ति प्रिय केवल भक्ति संतुष्ट हुंती कुब्जार भक्ति थिला कृष्ण का रूप को दर्शन करी रूपासक्त हेतिला तेणु रूपासक्त होइतबारु कुबुजा सहित भगवान दरास करिसंती मथुरा रे बेस किछि दिन कुबुजा पुर रे रहिसंती तार कामना पूर्ण करी प्रभु विजय करिसंती जिए कामना कल्पतरु से कामिनी मानंकर मध्य कल्पतरु से महिमार सागर महिमार महामेरु से प्रभु कहारी कामना अपूर्ण रखन्ति नाही तेणु प्रभु कुबुजार मन को पूर्ण करिसंति किंतु कुब्जा सहित जेतिक दिन प्रभु रहिसंति सही समय गुडिकरे प्रभु मन पकेइसंति सही गोपदांडर कथा सही वृंदावनर कथा कदम्बमूलर कथा एवं कालिंदी कुलर कथा मने पकेइछंती बारंबार गोपींकर भाव को मने पकेइछंती कुंज कानन भितरे कुंज भितरे जेते प्रकार विनोद करिछंती रास करिछंती गोपांगनांक सहित राधा रानीक सहित ता समग्र भाव रे मने पड़ जाइछि कृष्णचंद्रंकर कालिंदी कुल कदंब तलर विहार सेई वंशी विनोद सेई रास विनोद सेई झूलण गीत राधा रानीक सहित से सच्चिदानंदंकर कुंज विहार लीला रासेश्वरंकर रास लीला सब मने पड़ी जाऊ थाए केते बेले हेले हृदय रु से भावना मान बाहरी जाऊ न थाए रास केली को मने पकई कोटिए गुण रे संताप करुछंते कृष्णचंद्र आतुर होउछंती किंतु से आतुरता भितरे कुब्जार सान्निध्य लाभ करी गोविंद अनुभव करुछंती
सते जेपरी मु सही गोपांगना मानक पाखरे अच्छी मुझे राधाराणी पाखरे अच्छी एपरी भावना मन हो जाऊँ कारण से मन भितर एक सुंदर विलास नृत्य करुदनंदी भाव किशोर बयस काले कांता बिछेद हराए जे मंत करी मन को खेद कुसुम कांड जे मंत करी हणाए बेहे गुणवंत लोक पुनः कृतांत पासरी बजे जीवन जाऊ कहे दिन कृष्ण आहे रसी कराए गोटिके गोटिए नाही कुंभ परा कुमुद नंदिनी अर्थात से पद्मवन रु जी जन्म नहीं राधाराणी तांकर भाव बेले बेले कृष्णचंद्र को अतिशय भाव आंदोलित करुचे से राधा भाव भावित होती राधाकांत कवि भक्त कवि दीनकृष्ण कहते से भाव मु कौन वर्णना करी छार कवि मु कृष्ण का हृदय राधा भाव केते ताकु किए वर्णना करिवे ब्रह्मा शिव वर्णना करी पारिवे नाही से थिले कृष्णंकर कांता से थिले राई विलासिनी से थिले राधा राणी से थिले कृष्ण मनमोहिनी कृष्ण आनंदित हुंती तबे किशोर बयसरे जदि कांता विच्छेद हुए सेतेबेले सेई किशोर सेई नव किशोर से ब्रज किशोर हृदय मन केमिति होे जानती मनरे खेद खेद खिन्न अवस्था कृष्ण मध्य रही था कुसुम कांड फूल सर कंदर्प कुसुम धनु धारण करी जेपरी भाव सर निक्षेप करुची ताहा मध्य भाषा वर्णना करहब ना राधा भाव भावित होती विरहरे अच्छा कृष्णचंद्र विरहरे प्रेम बहुगुणित हुए विरहरे प्रेम अधिक निविड़ एवं प्रगाढ़ हुए विरहरे अधिक राग सराग अनुराग बढ़ी जाए कृष्णचंद्र से भाव भावित होती राधा भाव को सर्वदा हृदय हार करी कृष्णचंद्र मथुरार विहार करुचंती भक्त कवि दीनकृष्ण कहते कौन सी हेले गुणवंत लोक एपरी कष्ट न पाऊ किशोर बयस तार कांता अविच्छेद न हो बा अतिशय भल पाऊ तार कांता को से केबे हेले झुरिकी न मरु दूर न रहु कृतांत पासरे पछे जीवन जाऊ अर्थात जम जम तार पास काल पासरे बरंग जीवन नहीं जाऊ किंतु ये परि दुर्दशा कांता विच्छेद केबे हेले किशोर बयसरे न हो भक्त कवि दीनकृष्ण भगवान कृष्ण को संबोधन करी कहुचंती हे रसिक राय हे रसिक राज हे रासेश्वर हे रास विलासी कोटिके गोटिए नाही तुम्भ पराए कोटि कोटि ब्रह्मांड रे केते नायक अछंती केते रसिक अछंती केते किशोर अछंती केते कुमार अछंती कुमार अछंती कांत अछंती किंतु सबुथिरे चिंता कले कोटि कोटि ब्रह्मांड रे तुमे अनन्य तुमे स्वतंत्र तुमे जगत को धन्य कर हे नंद नंदन तुमर पदार बिंदरे कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम घेन कृष्णचंद्र अणतीस छांद शेष किंतु रसकल्लोर ए जो विषय वस्तु आपण मैंने शुणिले एक विचित्र विलास जे रस बा रास को वर्णना करने को जा कवि केवल गोपरे रहिले नाही ब्रजपुर वृंदावन रहिले नाही मथुरा को चली आसिले मथुरारे कुबुजा सहित कृष्णंकर प्रेमर कला को वर्णना करने कवि लालायित हो गले कारण कुबुजार प्रेम साधारण प्रेम नुहे असाधारण प्रेम कुबुजार निच्छक प्रेम भक्ति भाव जहाँ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତେ କି ନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଯେ କୁବ୍ଜା ଯେ ପ୍ରେମରେ ପାଇଲା କି ପ୍ରୀତିରେ ପାଇଲା କି କାମରେ ପାଇଲା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃପା କଲେ, କୁବୁଜାକୁ କୃପା କଲେ, ଇଏ କୁବୁଜିଟିଏ କୁବ୍ଜ ଦୋଷରୁ ବିବାହ ହେଇପାରିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯଦି ପୂର୍ବପରି ରହିଯିବ, ସେ ଅବହେଳିତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନର ଫଳ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ନିଷ୍ଫଳ? ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯିଏ କଂସକୁ ବେଶ କରୁଛି, ଜଣେ ରାକ୍ଷସକୁ ବେଶ କରି କରି ଦିନ ଯାଉଛି, ଦିନେ ସିଏ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସକଳ ଦେବତାଙ୍କର ଦେବତା ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବେଶ କଲା କୁବୁଜା, ବେଶ କରିବାକୁ ଆଶା ବଳେଇଲା, ମନ ବଳେଇଲା, ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦନ ଦେବୀ ବୋଲି କହିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ପାଶରେ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଇଏ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଷ୍ଠା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଷ୍ଠା କୁବ୍ଜା ଭିତରେ ଉଦୟ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିଷ୍ଠାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତି ନୁହଁ, ଶହେ ଥର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ହଜାର ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଉ ଥାଳି ଥାଳି ଧରି କିଲୋ କିଲୋ ଧରି ମିଠା ଲଡ଼ୁ ଦେଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଏ କଥା ନୁହଁ। ବଡ଼ ସୁନାର ସିଂହାସନ କର, ବିରାଟ ମନ୍ଦିର କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହରି ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ସାର। ଯେମିତି ବୈଷ୍ଣବମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀ ଭାବ କର, ରାଧା ଭାବ କର, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ମନ୍ଦିର କରି ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କୁବୁଜା ପରି ପ୍ରେମରେ ସଜେଇ ପାରିବେ। ସେ ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ଅଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋପୀ ଭାବରେ କୁବ୍ଜା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିପାରିବେ। କୃଷ୍ଣ ମନମୋହନ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଧା ଭାବରେ ପ୍ରୀତି କରିପାରିବେ। ଜୀବ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ରାଧା, ଆଉ ପରମ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ଜୀବ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଅନେକ ବୈଷ୍ଣବ କବି, ଅନେକ ଅବତାର ପୁରୁଷ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତକବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ। ସେଇ ରସମୟ ରସିକ ଶେଖର ରାସେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କୁବ୍ଜାପୁରରେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଷଦ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି 29 ଛନ୍ଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅମାପ। 29 ଛନ୍ଦକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କବି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ କୁବୁଜା ପରି ଭକ୍ତିମତୀ ନାରୀ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର 29 ଛନ୍ଦକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। 30 ଛନ୍ଦ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।